हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया एंड एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। देखिए, प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज को 1.2 को, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को और बताना है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि प्रत्येक रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, देखिए रियल नंबर की, कि रियल नंबर की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं इरेशनल, ओके, दूसरे होते हैं रेशनल। अब हम देख लेंगे कि इरेशनल कौन से होते हैं। इरेशनल वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, नहीं लिखे जा सकते। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, ओके। ऐसे ही सेम पोजिशन यहाँ पर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी राइट हो सकते हैं, बट इसमें क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। इसमें भी वही शर्त होती है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए आपके इसके। तो ये कंडीशन होती है रियल नंबर की। तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो यस, इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रू, कि आपका जो है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, ठीक है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या एम इज अ नेचुरल नंबर? बेटा देखिए, जब नंबर लाइन की हम बात करेंगे, नंबर लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर लाइन के ऊपर आपको मैं बता दूं कि यहाँ मिड पॉइंट होता है और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर होते हैं नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच नंबर होते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि इंटीजर जो होते हैं इंटीजर क्या काम करते हैं भाई, कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होते हैं, यानी कि आप इसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबरों को ले सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। बट बेटा, इसमें कंडीशन ये होती है कि इस पर इरेशनल नंबर नहीं होते। क्या इरेशनल नंबर नहीं होते? लाइक दैट इरेशनल नंबर नहीं होते। जैसे आप अंडर रूट टू को देखेंगे तो अंडर रूट टू की वैल्यू इस पर कभी भी नोट नहीं होती नंबर लाइन के ऊपर। तो इस स्टेटमेंट को आप कहेंगे फॉल्स, ठीक है, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे, ठीक है, क्यों? बिकॉज क्योंकि अंडर रूट टू की वैल्यू इस पर नोट नहीं होती, ओके। देखिए, टू तो एक नेचुरल नंबर है ना, क्यों आप कहेंगे क्यों कि टू एक नेचुरल नंबर है, बट अंडर रूट टू अगर होगा तो उसकी वैल्यू इस पर जो है नोट नहीं होगी, ओके, इस वजह से इसे फॉल्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। देखिए, अभी जस्ट इसका अपोजिट दे दिया फर्स्ट वाले का, कि रियल नंबर की बात कर रहे थे और रियल नंबर की बात करेंगे तो देखिए, इरेशनल और रेशनल दो पहलू बताए थे, इरेशनल और रेशनल। बट बेटा देखिए, रेशनल रियल हो सकते हैं, इरेशनल रियल हो सकते हैं, बट रियल कभी भी एक कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। क्या रियल कभी भी एक कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा, वो करेगा दोनों कैटेगरियों में बिलोंग, ओके। रियल तो देखिए, किसी वैल्यू को आप देखेंगे कि ये दो वैल्यूओं से मिलकर बना है, यानी कि इसमें ए और बी दो वैल्यू बिलोंग कर रही हैं, तो क्या आप कहेंगे ये बी में बिलोंग कर जाएगा? नहीं करेगा भाई, तो ये भी आपका फॉल्स रहेगा, ओके, ये भी आपका फॉल्स रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। देखिए ये कह रहा है, आर द स्क्वेयर रूट, क्या वर्गमूल ऑफ प्रत्येक इंटीजर का, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्गमूल इरेशनल होता है? इफ नॉट अ गिवन फॉर एग्जांपल, यानी कि आपको कोई एक एग्जांपल देकर बताना है इसमें कि आपका जो है प्रत्येक जो पूर्णांक का जो वर्गमूल होता है वो स्क्वेयर इरेशनल होता है या नहीं, देख लेते हैं। चलिए देखिए, आपके पास मान लीजिए मैं दो नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 3 और यहाँ पर ले लेता हूँ 9,
क्या ले लेता हूँ, 9। दोनों ही नंबर आपके क्या हैं, इंटीजर हैं। क्या हैं? इंटीजर हैं। ओके, इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। देख लीजिए इसकी वैल्यू तो आपको मिलेगी 1.34 करके, इस तरीके से कुछ वैल्यू मिलेगी, बट इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो आपका इरेशनल रहेगा, ये वाला रेशनल रहेगा। क्या रहेगा? ये वाला रेशनल रहेगा। तो ये तो रेशनल आ रहा है और ये इरेशनल आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? और इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपका ये तो रहा रेशनल और ये रहा इरेशनल। और एक देखिए वो कह रहा है कि दोनों इंटीजर्स को आप अंडर रूट में लेते हैं तो उनकी वैल्यू आपको इरेशनल मिलेगी। नो, तो आप इसे कहेंगे फॉल्स है ये स्टेटमेंट भाई, क्योंकि आपको केवल उन्हीं कुछ ही नंबरों की वैल्यू जो है वो रेशनल मिलने वाली है और बाकी सबकी इरेशनल मिलने वाली है। देखिए जो जो स्क्वेयर रूट स्क्वेयर हैं उनकी तो वैल्यू स्क्वेयर वैल्यू हैं, उनकी तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी, रेशनल। और जो स्क्वेयर वैल्यू नहीं है, जो प्राइम नंबर है खुद के, वो आपके कैसी रहेगी, इंटीजर, यानी कि आपको इरेशनल रहेगी। इंटीजर की वैल्यू इरेशनल रहेगी। ओके, तो आप इसे कह सकते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको प्रूव करना है नंबर लाइन के ऊपर अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना, रिप्रेजेंट करना है भाई। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है आपको अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहला काम आपको करना ये है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको कोई मिड पॉइंट लेना है 0। ठीक है, और उस मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का आपको एक कोई लाइन खींच लेना है। ओके, और इस पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींच लेना है। स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप रहेगा आपको 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है लाइन, ड्रॉ 2 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। ओके, अब देखेंगे जब नंबर लाइन पर हो गई तो परपेंडिकुलर साइड खोलेंगे इसके स्टेप टू में, कि 1 सेंटीमीटर का आपको परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है इसी के ऊपर। कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं, ए बी दे दूंगा यहाँ पर, ए और बी। यहाँ पर मैंने सी पॉइंट लिया और इसे कह दिया आपका क्या, इसे इससे मैच कर दिया, इस वाले पॉइंट से इसे आप मैच कर देंगे तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यूज़ करेंगे इसमें पाइथागोरस। सेकंड में आप लिखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर की। ओके, थर्ड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा मैचिंग का, आप इसे मैच कर देंगे, मैच कर देंगे किससे, ए से सी को। ठीक है, ए सी ज्वाइन करना है। ओके, फिर आप देखेंगे कि यूजिंग बाई पाइथागोरस, आपको यहां पर यूजिंग करनी है पाइथागोरस स्टेप फोर। स्टेप फोर में आपको क्या करना है, पाइथागोरस को यूज करना है। ओके, पाइथागोरस यूज करेंगे तो आप यहां पर देखिए पाइथागोरस जो होती है वो होती है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जब h की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से मिलेगा पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए इसका स्क्वेयर यहाँ 2 है, ये 1 है, इसका स्क्वेयर 4 होता है, इसका स्क्वेयर 1 होता है, यहाँ पर आपको रूट 5 वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फिर आपको फिफ्थ स्टेप करना है यहाँ पर। देखिए फिफ्थ स्टेप क्या करना है कि कंपास में ए सी डिस्टेंस लेकर आप इस सी पॉइंट को नंबर लाइन पर इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो अंडर रूट 5 रहेगी। क्या रहेगी? अंडर रूट 5 रहेगी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं, अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आपकी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और एक हमारी प्यारी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी एक्सरसाइज या हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।